आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खरीफ सीजन में धान की बुआई पूरी होने के साथ पंजाब में धान का कुल रकबा सालाना आधार पर लगभग 2% की घटकर 30.84 लाख हेक्टेयर रहा। पिछले साल ये 31.41 लाख हेक्टेयर था। पंजाब कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस सत्र में धान की खेती का रकबा 30.84 लाख हेक्टेयर रहा। अधिकारी ने बताया कि इस सत्र में बासमती धान का रकबा करीब 4.60 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान है। राज्य को धान की सीधी बुआई पद्धति के प्रयास को कम प्रतिक्रिया मिली है। खरीफ बुआई के सीजन में 12 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में इस पद्धति के तहत सिर्फ 82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की सीधी रोपाई की जा सकी। मुख्यमंत्री भगवत मान सरकार द्वारा पूरी कोशिश के बावजूद DSR तकनीक के तहत खेती का रकबा लक्ष्य से काफी कम रह गया है। किसानों ने मुख्य रूप से मई में DSR पद्धति से धान की बुआई के लिए खेतों की सिंचाई के लिए अपर्याप्त बिजली को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल पानी की बचत के लिए पिछले साल से पंजाब की सरकार बड़े स्तर पर धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित कर रही है। धान की खेती में काफी पानी की जरूरत होती है, जबकि पंजाब में धान की खेती के लिए बारिश का पानी पर्याप्त नहीं होता। धान की रोपाई में पानी के अप्रत्याशित इस्तेमाल से राज्य में भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। वहीं DSR तकनीक के तहत धान के बीजों को एक मशीन की मदद से खेत में रोपा जाता है, जो चावल की बिजाई और हर्बिसाइड का स्प्रे एक साथ करती है। पारंपरिक विधि के अनुसार पहले धान के पौधों को किसान नर्सरी में उगाते हैं और फिर इन पौधों को उखाड़ कर एक निजी जमीन वाले खेत में लगाया जाता है। वहीं DSR विधि को सिंचाई के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इससे रिसाव में सुधार होता है, कृषि श्रम पर निर्भरता कम होती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है तथा धान और गेहूं दोनों की उपज में 5-10% की वृद्धि होती है। ये पारंपरिक पोखर विधि की तुलना में लगभग 15-20% पानी बचाने में भी मदद करती है। राज्य सरकार ने DSR तकनीक का विकल्प चुनने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से धनराशि देने की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।